प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष सहित विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के टीआर बालू, बीजद के पिनाकी मिश्रा, वाईएसआर के मिथुन रेड्डी, सपा के रामगोपाल यादव, जदयू के राजीव रंजन सिंह, लोजपा के चिराग पासवान, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल सहित कई अन्य दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक ये बातचीत कोरोना संकट से निपटने और लॉकडाउन को लेकर थी। बैठक में फ्लोर नेताओं ने पीएम मोदी के सामने 5 मांगे रखी। इसमें कोरोना टेस्ट को मुफ्त में करने, राज्यों को बकाया देने, राहत पैकेज को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 5% करने, राज्य FRBM राजकोषीय सीमा को 3 से 5% करने और PPI समेत सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स को मुहैया कराने की मांग की गई। पीएम मोदी के साथ बातचीत में उन सभी दलों के नेता शामिल हुए जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं। 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद विपक्ष सहित फ्लोर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की ये पहली बातचीत। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले डॉक्टरों, पत्रकारों, विदेशों में भारतीय मिशनों के राजनयिकों सहित विभिन्न पक्षकारों से बातचीत की थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती की जाएगी। इतना ही नहीं, सांसद निधि भी 2 साल के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। सरकार ने वेतन में कटौती के लिए अध्यादेश भी जारी किया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।